हंस क्यों रही है? अरे कल रणबीर का फुटबॉल मैच है ना, तो तू क्यों इतना खुश हो रही है? कॉलेज का लड़का है, अगर वो जीतेगा तो कॉलेज का ही नाम होगा ना। उसे पहले अपनी फैमिली का नाम बनाने दे, उसके घर वाले उसे आप पढ़ने भेजते और वो क्या करता है? फ्लर्ट। क्या तूने उसे कभी पढ़ते हुए या फिर क्लासरूम में देखा है? या तो फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ा रहता है या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। कॉलेज तो कॉलेज, किसी का घर भी नहीं छोड़ता। रिया की पार्टी में भी लगा हुआ था। पार्टी में भी रासलीला। मेरा नंबर कब आएगा प्राची? और अगर उसने मुझे लाइन दी ना, मैंने तो झट से एक बार में ही पकड़ लेनी। क्यूट लगेंगे ना हम दोनों। नहीं, चुप कर। ऐसे लड़के खुद तो बदनाम होती है, जिन लड़कियों के साथ दिखते हैं ना उनको भी बदनाम कर देते हैं। इसलिए दूर रहे उसे, समझी? दूर कैसे रहूं? और जहाँ दिखता है लड़कियाँ उसके पास आ जाती हैं चिपकने के लिए। चेपू है, एक नंबर का चेपू। रहने दे, मुझे तो क्यूट मुंडा कुकड़ कमालदा ही लगता है। अरे प्राची, उसे देख के ना मुझे कृष्णा की याद आ जाती है। वो होशियारपुर वाला जो भैंस चराता था? भैंस नहीं, गाय। और होशियारपुर वाला नहीं, मथुरा वाला कृष्णा। रणबीर, कृष्णा, बाकी सारी लड़कियाँ उसकी गोपियाँ और मैं बनूंगी उसकी राधा। राधा नहीं, बेवकूफ जरूर बनेगी उसके चक्कर में, पागल। तो क्यों मुझे रोक रही है? कहीं तू तो उसके चक्कर में नहीं है ना? मुझे हटाकर अपनी लाइन क्लियर कर रही हो? ओ हेलो, वो दुनिया का लास्ट लड़का होगा ना, तो भी उसकी तरफ ना देखो। फिर ठीक है, मैं तो ऐसे ही डर गई थी कि हम दोनों बहनें सौतन बन जाती, और सौतन तो होती लड़ने के लिए, पर हम दोनों सौतन नहीं बनेंगे और हम लड़ेंगे भी नहीं। और रणबीर के लिए ना मैं सौतन किसी दुश्मन को बनाऊंगी, जैसे रिया उसी को ही सौतन बना लेती। और मुझे नहीं लगता ऐसी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी होते होंगे, इनको खुद को निहारने से तो टाइम नहीं मिलता, लड़के क्या देखेंगे। अच्छा ही है ना, रणबीर मेरा ही बॉयफ्रेंड रहेगा। चुप करेगी? और फिर हम दोनों में ना प्यार हो जाएगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी, और फिर हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। और बच्चों की ना मैं लाइन लगा दूंगी, जो तुझे बुआ बुआ कह के बुलाएंगे। नहीं, मासी भी बुला सकते हैं। वैसे कितने बच्चे पैदा करूँ, क्रिकेट वाले 11 या फुटबॉल वाले 12? रणबीर को फुटबॉल ही पसंद है ना, तो 12। ओ 12। उससे शादी करने से पहले मुझसे एक बार पूछ ले कि उसने मेरे साथ क्या किया। क्या किया? झगड़ा, जब मिलता है झगड़ा करता है। यूं भी कह सकते हैं कि हमारे बीच झगड़ा हो ही जाता है। क्या अब रोने वाली है तू? मुझे लग रहा है रणबीर के साथ अब तेरी जोड़ी बनेगी। प्राची, मैंने सुना है जिनका ज्यादा झगड़ा होता है उनमें ही प्यार हो जाता है। पर तू मेरी बहन है ना, तो तू कर जितना मर्जी, उतना झगड़ा कर, उतना प्यार कर। तेरे लिए तो मैं इतनी कुर्बानी दे ही सकती हूँ। पर सुन, उस रिया से बच कर रहना। उसको पता चला ना तेरे रणबीर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, तो तुझसे बदला लेने के लिए ना उसे पटाने की कोशिश करेगी। तुझसे जलती है ना? हे भगवान, ये तो लव ट्रायंगल हो जा रहा है। रिया रणबीर से प्यार करेगी, रणबीर तुझसे प्यार करेगा, और तू रणबीर से, रणबीर रिया से। ओ नो, ये तो स्यापा हो जाना है। ना, एकदम चुप। ज्यादा बोली ना तो टेप लगा दूंगी मुंह पे। जो तू बोल रही है ना, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो रणबीर और रिया का तो पता नहीं, पर मेरे साथ तो कोई चांस नहीं। और जैसे वो भी बोलता रहता है ना, वो मेरे टाइप की नहीं है, वो मेरे टाइप की नहीं है, वैसे मैं भी बोलती हूँ वो मेरे टाइप का नहीं है। इसलिए मुझे किसी की राधा या सौतन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? तो कभी बन जा, तू ना मार खाएगी। मुझे कुछ नहीं बनना है, और तू भी उसके सपने देखना बंद कर। वो रणबीर अच्छा लड़का नहीं है, वो रिया जैसी लड़कियों के लिए ठीक है, हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं, ठीक है? अच्छा बता, तूने सोचा कि उस नक्षड़ी बिगड़ैल को कैसे सबक सिखाना है? नहीं, बाद में बात करते हैं। बता ना। बाद में बात करते हैं। बता। नहीं बताऊंगी। मत बता। नहीं बताऊंगी। कहाँ गई वो कुमकुम वाली? अरे मैं पानी ले आया। तो पी लो। पी लो मतलब? आप ही ने कहा था उसका चेहरा साफ करना है, उसके लिए पानी लेकर आया। पी? मैंने उसका चेहरा साफ कर दिया है। तो मुझे क्यों भेजा? गलती हो गई बड़े साहब जी, माफ कर दीजिए, लेकिन अब दोबारा गलती करी ना तो भगवान आपको सजा देंगे। क्या? अच्छा यही है वो। थोड़ा ध्यान रखा करिए, मंदिर में जाने से पहले मोबाइल ऑफ कर दीजिए, भक्तों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, आप लोगों को मोबाइल की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी ना, आप लोगों की सारी सहेलियाँ तो यही मिलती होंगी। क्या कहा आपने? अरे इनसे पूछ लो, हर बात का जवाब है इनके पास, बताओ। आज जाके ना भगवान के दर्शन कर लो, थोड़ी सी ना सद्बुद्धि मिल जाएगी। हाँ जाओ जाओ, मांग लो अपने लिए सद्बुद्धि। हाँ मांगूंगा ना, लेकिन आप दोनों के लिए। एक सेकेंड, वाइब्रेटर पे पता नहीं चला होगा। हेलो, I'm not afraid to die.
ओके ओके आई विल कॉल यू बैक। ये मेरा दोस्त बीना बार बार मुझे फोन कर रहा है। मैंने कहा उसे दोबारा फोन मत करना, भक्त लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही कहा कि नहीं? तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता और भगवान भी ना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, समझे? चलो तब बात किया, थक गई होंगी, पानी पी लो। अरे ले जाओ, मना नहीं करते, वैसे भी हमारी बनती नहीं है, वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे दासी कोई स्पेशल पूजा करिए क्या, अभी तक आई क्यों नहीं? दासे आपके भरोसे पे प्राची को यहाँ भेजा था, आपके अलावा उसका यहाँ कोई नहीं। ध्यान रख दीजिए, उसे हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति दीजिएगा, बस वो खुश रहे। मेरी छोटी बेटी भी है इस शहर में, वो तो अकेली नहीं है, उसके पापा हैं उसके साथ, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। वो अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, आप उनका ख्याल रखिए, दोनों को खुश रखिए। बस एक बार प्रज्ञा से मिला दो, मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो प्रभु। जी से कहती हूँ कि मेरी प्रज्ञा वो मेरे अभी को एक बार फिर से मिला दे। अभी अभी भी आया हुआ है अभी। अरे जल्दी आ, जल्दी आ। अरे तू कहाँ जा रही बेटा, तू कहाँ जा रही है? वो यही है, अभी आ जाएगा। नहीं 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 दादी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मैं उनसे नहीं मिलती। नहीं नहीं रुक जा बेटा, रुक जा, घर चलना। अरे अभी जल्दी दादी, दादी बेटी आई है? नहीं आई, घर पर है, वो अच्छी है, चलना, चल उसे मिल लेना, चल, अभी, अभी, प्रज्ञा रुक जा, मत जा, प्रज्ञा, प्रज्ञा रुक जा, मत जा प्रज्ञा, अभी, अभी प्रज्ञा यहाँ है। अच्छा कॉल यू बैक, दासी बुला रही। हाँ, अरे दासी क्या हुआ, यही पर हूँ मैं। अभी अभी भगवान ने मेरी सुन ली। अरे बेस्ट हो गया ना, सब सही हो जाएगा। क्या वापस आ गई? वापस आ गई। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी सुन ली उन्होंने। महीनों से मैं हर पूर्णमासी को यहाँ आती थी,
इतनी मन्नतें मांगे, लेकिन आज ग्यारहवीं पूर्णमासी को उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे ये अरे मुझे गले मिली, मुझे आके मिली, जा पुत्र जा उसे मिल। अरे उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, उसे वापस दे दिया। पता नहीं वहाँ घर पे क्या हो रहा होगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लिया तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? पोस्टर लगवा के तुमने तो अपना रिवेंज ले लिया ना। आई नो, जस्ट आई एम नॉट टेंस। तुम लोग जाओ, यू गाइस कैरी ऑन, आई जस्ट हैव टू टॉक टू बुआ। ओके गो। जस्ट होल्ड देम आउटसाइड, उन्हें बोलिए अभी अंदर नहीं आ सकते। आई कॉल यू व्हेन टू सेंड देम इन। हरिया बोला। But you were supposed to be at home. Yeah, sweetheart. But what do I do? एक important meeting आ गई थी, तो मुझे आना पड़ा. But don't you worry. I'll be back in, say, max to max in an hour's time. आपने कहा था सब manage कर लूँगी. Wow, the situation is going out of control. मुझे नहीं समझ में आ रहा अगर dad को पता चल गया. Actually, about that, everything is not okay. वो security वाले के पास मैं गई थी उसको अपनी तरफ करने के लिए, but क्या नाम था उसका? महेश। या मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बट ही रिफ्यूज टू हेल्प अस। किसने हेल्प करने से मना कर दी? आई विल कॉल यू बैक मिस्टर शर्मा। क्या कह रहे थे तुम? इनकी मीटिंग है, ये रही फाइल, सारे पॉइंटर्स लिख दिए, एक बार पढ़ लो। ओके। आलिया जो तुम कर रही हो मत करो। तुमने तो बोला अभी कि फाइल दे रहा हूं। मैं फाइल की नहीं, रिया की बात कर। झगड़ा ही करना है तो रिया का टॉपिक क्यों निकाला? ऐसे ही कर लेते, हम लोग तो वैसे भी माहिर है झगड़ा करने में, राइट? हम लोग को टॉपिक की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। वैसे भी वो बोलते हैं ना, मैरिड कपल्स को किसी टॉपिक की नहीं, वो तो ऐसे ही झगड़ लेते। देखो मेरी बात को इग्नोर मत कर, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो सही नहीं, और मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, तुम्हें समझाने आया कि जो कर रही हो वो मत करो। क्या नहीं करना चाहिए मुझे बोलो, क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो यार। तो तुम साफ साफ सुनना चाहते हो? तो सुनो, रिया प्रज्ञा दी की अमानत है, और अमानत में खयानत नहीं होती, इसलिए वो जैसी है उसे वैसी रहने दो। तुम उसे बदलने की कोशिश करें, और सिर्फ बदलने की नहीं, अपने जैसा बनाने की भी कोशिश करें। या मैं नहीं जानता कि अभी से पहले रिया जानना चाहती है कि वो नेकलेस किसने चुराया था, ताकि वो जाके उससे बदला ले सके। थैंक गॉड पूरब को ये पता नहीं चला कि चोरी रिया ने ही की थी, और उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। पूरब, रिया मेरी भतीजी, गॉड से क्या खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए आज के बाद उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बात मुझे बोलना मत। और जहां तक की रही बात तुम्हारी सो कॉल्ड प्रज्ञा दी थी, तो कोई अमानत नहीं छोड़कर गई वो उसको, भाई ने छीना है रिया को। प्रज्ञा ने ये नहीं बोला था कि ये लो रिया को अपने पास रख लो, he took her from her। इसलिए आज के बाद this, do not even mention about it। और रिया का प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। Mind it. Really? एक तरफ तुम मुझे खून का रिश्ता समझा रही, और दूसरी तरफ तुमने एक माँ और बेटी के रिश्ते को खत्म कर दिया। रिया प्रज्ञा दी का अंश है, वो मेरे भाई का अंश। All well guys? Guys? Mom Dad को guys बोलोगे? Sorry Mom and Dad, आप दोनों लड़ रहे थे। लड़ रहे थे?
नो स्वीटहार्ट, हम क्यों लड़ेंगे? वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, राइट पूरा? बाय द वे तुम आज ऑफिस में कैसे? मुझे डैड से बात करनी थी। हाँ बोलो। मैच, आज हमें मैच देखने जाना था डैड। मैच? हाँ, फुटबॉल मैच। डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था, बट स्टिल हियर। ओह हाँ, सॉरी मैं भूल गया। हाउ कुड यू? तुम्हें पता ना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर हमारे बेटे ने बोला है कि उसे तुम्हारे साथ मैच देखना है, तुम्हें मैच के लिए जाना चाहिए। एंड यू गोना हैव लंच विद मी टुडे। You too. Lunch खा के जाना, okay? Why not? Yeah. See you, sweetheart. Love you, mom. Love you too. conference room 2 में जरा meeting रखवाइए. Yeah. बच गया. बचा लिया. मैंने. But थोड़ी देर के लिए. अभी वो तूफान फिर से वापस आएगा. Come on, dad. Mom इतनी भी बुरी थोड़ी है. जितनी बुरी है उतनी काफी. Dad, please. अब मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो. मैं मॉम से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आपसे. पर आप हर बार और आपको अगर मॉम से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने मॉम से शादी क्यों की? डैड, व्हाट हैपेंड? डैड, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया. आई डिडंट मीन टू. इट्स ओके. मैच देखने नहीं जाना है, लेट हो रहे हैं. लेट्स गो डैड. नहीं नहीं आज नहीं, आज मुझे घर पे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मे बी हम कल चलेंगे. प्रिया, ये किसने? पोस्टर से बनाए गए स्टिकर्स हैं। तो नहीं लग, लगाए किसने मेरी गाड़ी में? रिया, रिया, ओ शिट, किसने सच में कर दिया? किसने रॉकी? ये उस मैडम के पोस्टर से चोर निकला हुआ है, किसने लगाया ये? रोहन ने देखा था उसे ये सब कुछ करते हुए, और इसने जब मुझे बताया कि ये सब कुछ उस होशियारपुर वाली भांजी ने किया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. मुझे लगा उसमें इतने घट से नहीं किया तुमसे डायरेक्ट, और ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये काम उसी का. अभी, अरे बता ना प्रज्ञा मीनी. दादी एक मिनट, मैं पीछे ही जा रहा हूँ. दादी एक मिनट, वेट. प्रज्ञा, प्रज्ञा. दासी ने कहा था उसने पिंक साड़ी पहनी. मैं ना मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी इस घर में आएंगे, कभी नहीं. प्रज्ञा, प्रज्ञा
जी,